यूट्यूब चैनल, मैं हूँ प्रिया। आज हम ये सुंदर से पोशाक बनाएंगे 5 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। आप ये 4 नंबर लड्डू गोपाल जी को भी पहना सकते हैं बना के, और बस आपको ये चोली 4 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए बनानी पड़ेगी अलग से। देखिए हमने ये रैबिट ड्रेस बनाई है जो कि देखने में बहुत सुंदर है, और इसमें हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत सुंदर लग रहे हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और जो साथ में बेल आइकन है उसको दबाइएगा, इससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, आप मेरी वीडियो देख पाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, हेल्पफुल लगती है, तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए बनाना शुरू करते हैं। नंबर है 1.75 mm, आप 10, 11 या 12 नंबर के हुक से बना सकते हैं। लूप बनाएंगे, हमें यहाँ पे 25 चैन लेनी है, 25। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 चैन ले ली। और देखिए 25 चैन पे फिंगर रख लेंगे और 3 चैन और लेंगे, 1, 2, 3। जो हमने 3 चैन लिए उसको स्किप कर देंगे, छोड़ देंगे, और जहाँ पे हमने फिंगर रखी है 25 चैन पे, वहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। देखिए हुक पे बल लेंगे और 25 चैन में हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बना देंगे। 3 लूप है, 3 में से 2 करेंगे, 2 में से 1 करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया बन गया, और जो हमने 3 चैन एक्स्ट्रा ली थी और स्किप करी थी उसको एक डबल क्रोशिया काउंट करना है। ये हमारे 2 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए जो नेक्स्ट वाली चैन है, यहाँ पे हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 सेम जगह पे हुक को डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर नेक्स्ट चैन के अंदर 2 डबल क्रोशिए, 1 और ये 2। एक ही चैन के अंदर से हम 2-2 डबल क्रोशिए बना रहे हैं, और इसी तरह से बनाते हुए देखिए कंप्लीट करना है। सभी चैन के अंदर से 2-2 डबल क्रोशिए बनाने हैं। सभी चैन के अंदर से 2-2 डबल क्रोशिए बना के हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए 3 चैन लेंगे, ये हमारा एक डबल क्रोशिए काउंट होगा, और सेम जगह पे ही एक और बना देंगे। देखिए इसी के नीचे जो चैन है वो हमारी पहली चैन होती है, एक हमारा बन चुका है ये, और इसी जगह पे एक और बना के हमारे 2 हो गए पहली चैन के अंदर से। अब हमें 3 चैन के अंदर से एक एक बनाना है। एक चैन के अंदर से एक बनाया, दूसरे चैन के अंदर से एक बार, तीसरे चैन के अंदर से एक बार, और जो हमारी 4th चैन आएगी उसके अंदर से हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1, और सेम जगह पे एक और बना देंगे 2। फिर से हमें देखिए 3 अलग बनाने हैं, 1 दूसरे चैन के अंदर से एक बार और तीसरे चैन के अंदर से एक बार, और जो हमारी 4th चैन है उसके अंदर से हमें 2 बार बनाना है, 1 ये 2। इसी तरह से देखिए 3 चैन के अंदर से एक एक बनाना है, और 4th चैन में आके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे बनाते हुए कंप्लीट करना है। सेकेंड रो कंप्लीट हो गई। 3 चैन लेनी है और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहली चैन के अंदर से 2 डबल क्रोशिया, अब हमें देखिए 5 चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है, 1 दूसरे चैन के अंदर से एक बार, तीसरे चैन के अंदर से एक बार, 4th चैन के अंदर से एक बार, और जो हमारी 5वीं चैन है उसके अंदर से एक बार, और 6th चैन में आके हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं एक साथ, 1, और सेम जगह पे ही एक और बनाएंगे। तो ये 2 हो जाएंगे 6th चैन में। पहली चैन में से 2 बार बनाएंगे, फिर 5 डबल क्रोशिया अलग बनाएंगे, और 6th चैन में आके 2 डबल क्रोशिया बनाने। इसी तरह से देखिए बना के कंप्लीट करना है, हर 6th चैन में 2 डबल क्रोशिया। 3rd रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हम ना ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे। जो हमारी 3rd चैन है उसमें हुक को डालेंगे और यहाँ स्लिप चैन से ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए लड्डू गोपाल जी की कमर में पहनाने के लिए हमने देखिए इतना गैप छोड़ा है। अगर आपको ज्यादा गैप छोड़ना है लड्डू गोपाल जी को पहनाने के लिए, तो आप 5वीं रो में ज्वाइन करिएगा। मैंने यहाँ 3rd रो में ज्वाइन करा है।
अगर आप फोर्थ रो में ज्वाइन करोगे तो आपका देखिए उल्टी साइड से ज्वाइन होगा, फिर जो भी वर्क आएगा आप उल्टी साइड से ही कर पाओगे। ये देखिए हमारी ये सीधी साइड है, तो आप तीसरी या पांचवी रो में ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए तीन रो हमारा कंप्लीट हो गया है, थ्री चैन लेनी है और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब आपको देखिए फोर्थ रो में क्या करना है, सात चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और आठवीं चैन में आके दो डबल क्रोशिया बनाना है। सात चैन के अंदर से एक एक बनाएंगे, आठवीं चैन में आके दो डबल क्रोशिया बनाने हैं फोर्थ रो में। फिर उसके बाद आपको फिफ्थ रो में स्टार्टिंग में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, फिर नौ चैन के अंदर से एक एक बनाएंगे और दसवीं चैन में आके दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपको छठी रो में ग्यारह चैन के अंदर से एक एक डबल क्रोशिया बनाना है और बारहवीं चैन में आके दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। हमने देखिए दो दो का गैप दिया है, पहले हमने सभी चैन के अंदर से दो दो बनाए थे, फिर सेकेंड रो में हमने फोर्थ चैन के अंदर से दो दो डबल क्रोशिया बनाए, फिर थर्ड रो में हमने छठी चैन के अंदर से दो दो डबल क्रोशिया बनाए, फोर्थ चैन में हमें आठवीं चैन के अंदर से दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और इसी तरह से पांचवीं रो में हमें दसवीं चैन के अंदर से दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, छठी रो में हमें बारहवीं चैन के अंदर से दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और जो हमारी सातवीं रो होगी वो हम छठी रो को रिपीट करेंगे, बारहवीं चैन के अंदर से दो दो बनाएंगे। घेरा बनाना काफी आसान है और देखिए आपको ये ऐसे लग रहा है जब आप बनाते जाओगे तो आपको ये घेरा एकदम फ्लैट बनेगा, अच्छे से बन जाएगा। चलिए मैं आपको पूरा घेरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। देखिए हमने घेरा कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको इस तरह से दिखा देती हूँ। फोर्थ रो में थे हम, देखिए स्टार्टिंग में दो बनाए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात चैन के अंदर से अलग बनाए और आठवीं चैन में आके हमने दो बनाए और इसी तरह से देखिए हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में दो बनाए, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ चैन के अंदर से एक बनाया, दसवीं चैन में आके दो बार और इसी तरह से देखिए बारहवीं चैन में दो बार और जो हमारी सातवीं रो होगी हम छठी रो को रिपीट करेंगे, बारहवीं चैन के अंदर से दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमने सात रो बनाई है। चलिए अब किनारे बना लेते हैं, कलर का धागा लेंगे और ज्वाइन कर देंगे। देखिए पहले लूप बना देंगे, आप कहीं से भी धागा ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी चैन के अंदर से। हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है तो हुक पे देखिए लूप हम छोड़ देंगे, हुक पे ही यहाँ पे चैन में हुक डालेंगे, धागा पिक करेंगे, दो लूप है दो में से एक कर देंगे। ये हमारा एक सिंगल क्रोशिया बन गया, थ्री चैन लेनी है इसी के ऊपर और सेम प्लेस पे हमें दो डबल क्रोशिया और बनाने हैं इसी चैन के अंदर से, जहाँ से हमने ये सिंगल क्रोशिया बनाया है वहीं से एक ये दो और दो चैन स्किप करेंगे नीचे से, एक दो तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है, थ्री चैन वन टू थ्री और सेम जगह पे दो डबल क्रोशिया, एक दो, दो चैन स्किप करेंगे, एक दो तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करना है। देखिए बहुत सुंदर किनारी लगती है बनी हुई, थ्री चैन और सेम जगह पे दो डबल क्रोशिया, एक ये दो, दो चैन स्किप करेंगे, एक दो तीसरी चैन में ज्वाइन करना है सिंगल क्रोशिया से। और चलिए इसी तरह से हम बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए लास्ट में आ गए, लास्ट में आके दो चैन स्किप करेंगे, अब इसे ज्वाइन करना है। जो हमने स्टार्टिंग में सिंगल क्रोशिया बनाया था उसकी चैन में हुक को डालना है, धागा पिक करना है और पीछे वाले लूप में से निकाल देना है, एक चैन लेके धागा कट करेंगे। और देखिए हमने यहाँ पे धागा चेंज कर लिया है, ये हमने साइनिंग वाली ऊन ली है। चलिए धागा कट कर लेते हैं, मैजिक रिंग बनाएंगे। ये देखिए क्रॉस में धागा रखेंगे, इस वाले धागे को पीछे की साइड छोड़ देंगे और इसी तरह से हमें फिंगर से बाहर निकालना है। ये देखिए फिंगर से बाहर निकालने के बाद भी क्रॉस में है और इस वाले धागे को हमें रिंग के अंदर लेके आएंगे। ये देखिए थ्री चैन लेनी है, वन टू थ्री, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और रिंग के अंदर हमें फाइव डबल क्रोशिया और बनाने हैं, वन टू थ्री
फोर फाइव और फर्स्ट वाले को मिला के हमारे छह डबल क्रोशिया हो गई है। अब ये धागा देखिए खींच लेंगे जिससे ये हमारा ये सर्कल बंद हो जाएगा। थ्री चैन लेंगे, वन टू थ्री, ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। सेम जगह पे एक और बनाएंगे, देखिए इसी के नीचे एक चैन दिख रही है, ये पहली चैन है, इसमें से एक और बनाना है। तो पहली चैन के अंदर से हमारे दो हो गए, अब हमें दो चैन के अंदर से एक एक बनाना है। दूसरी चैन के अंदर से एक बार बनाया और तीसरी चैन के अंदर से एक बार बनाएंगे, ठीक है। और जो हमारी देखिए फोर्थ चैन है उसमें से हमें दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक सेम जगह पे हुक डाल के एक और बनाएंगे दो। अब जो हमारे दो डबल क्रोशिया है इनके ऊपर एक एक बनाना है, और लास्ट वाली चैन के अंदर से भी एक बार बनाएंगे। ये देखिए पहले हमारे पे छह डबल क्रोशिया थे और सेकंड रो में देख लेते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, एट डबल क्रोशिया बने हैं। थ्री चैन लेनी है, रेबिट फेस बनाना ये बहुत ही आसान है फ्रेंड्स, आप काफ़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए पहले चैन के अंदर से एक और बनाएंगे तो ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो जाएंगे। फिर जो दूसरी चैन है उसके अंदर से एक बार बनाना है, फिर देखिए नेक्स्ट वाली चैन में दो बार बनाना है। इस रो में हमें एक बार एक चैन के अंदर से एक बार बनाना है और दूसरी चैन में आके दो बार, देखिए दो बार बनाए थे फिर एक बार, अब इसमें दो बार बनेंगे, एक और बना देंगे। अब हमें एक बार बनाना है, फिर नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में एक बार, नेक्स्ट में दो डबल क्रोशिया, एक सेम जगह पे एक और बनाएंगे तो ये दो हो जाएंगे। और जो लास्ट वाली चैन है उसके अंदर से एक बार बनाना है। ये देखिए एक चैन के अंदर से दो बार बनाए, फिर एक बार, फिर दो बार, इसी तरह से हमने ये बनाया है। अब थ्री चैन लेनी है, और सेम जगह पे एक और बनाएंगे, दो हो गए, और बीच में जितनी भी चैन है हमारी उसमें से एक एक बनाना है, और लास्ट वाले चैन के ऊपर दो डबल क्रोशिया बनाने हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में दो बनाए इसी तरह से हमें लास्ट में भी दो डबल क्रोशिया बनाने हैं और बीच में एक एक बनाएंगे। देखिए एक चैन लेनी है, जो हमारी पहली चैन है उसमें स्लिप चैन करनी है, दूसरी चैन के अंदर से भी स्लिप चैन करनी है, और तीसरी चैन के अंदर से भी स्लिप चैन करनी है। कैसे करनी है देखिए, हुक डालेंगे, धागा लेके आएंगे और पीछे वाले लूप में से निकाल देंगे। ये हमारी थ्री चैन है, तीसरी चैन के ऊपर हमारा धागा है, यहाँ पे हमें देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स चैन बनाई हमने, एक चैन स्किप करेंगे वो सबसे ऊपर वाली, और जो हमारी दूसरी चैन है यहाँ पे हमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर उससे नीचे वाली चैन में एक और सिंगल क्रोशिया बनाना है, और देखिए अब हमें जितने भी चैन बची है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए कितने स्टिच हो गए हमारी, ये एक दो तीन चार पाँच, और जो हमारी फोर्थ चैन है ये देखिए, ये हमारी तीसरी चैन थी जहाँ से हमने ये चैन बनाई थी, और फोर्थ चैन में हमें ज्वाइन करना है स्लिप चैन से ही, ये रैबिट का कान बन जाएगा। और आप चाहो तो फ्रेंड्स ये कान थोड़ा और लंबा कर सकते हैं, कान की लंबाई आप छः की जगह सात चैन ले सकते हैं या आठ चैन ले सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ छः चैन से बनाया है। अब देखिए हमें स्लिप चैन करते हुए इधर की तरफ जाना है, और यहां से हमें फोर चैन काउंट करनी है। देखिए पीछे से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर,
इस वाली चैन के ऊपर आना है हमें, फोर्थ चैन के ऊपर अपना हुक लेके ये देखिए फिर से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4। यहाँ पे फिर से 6 चैन बनाएंगे, 2 3 4 5 6, 6 चैन बनाई। पहली चैन स्किप करेंगे और दूसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें देखिए तीसरी चैन में सिंगल क्रोशिया बनाना है और बाकी जो चैन है उसमें हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तीन हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे और दो हमारे सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे। और जो हमारी तीसरी चैन है यहाँ पे हुक डाल के स्लिप चैन से ज्वाइन करना है राउंड, और एक चैन लेके धागा कट करेंगे। ये देखिए इस तरह से रैबिट के कान बन जाएंगे जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। देखिए हमने एक आइज बना दिए और दूसरे आइज के लिए देखिए धागा कट नहीं कराए। इस तरह से हम इधर की तरफ ले आएंगे धागे को और यहाँ भी। और फ्रेंड्स आप चाहो तो मोती वगैरह भी लगा सकते हैं, ब्लैक मोती या गुगली आईज आती है आप वो भी लगा सकते हैं, वो भी काफी अच्छी लगती है। चलिए धागा कट कर लेंगे नोट लगा के। देखिए हमने नोज के लिए स्पार्कर पेपर आता है, कार्ड आता है, वो लगा दिया है। अगर आपके पास बिंदी हो रेड कलर की तो आप वो भी लगा सकते हैं। ये हमने अभी चिपकाया है तो अभी गीला है। अब देखिए इसको इसमें अटैच करेंगे घेरे में। देखिए जहाँ से ये खुला हुआ है थोड़ा हमारा, इसके बिल्कुल सामने की तरफ अटैच कर देंगे। आपको जिस तरह से करना हो आप उस तरह से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने देखिए सेम कलर का धागा डाल दिया है। ये देखिए चैन उठाते रहेंगे और सिलाई कर देंगे। अच्छे से पक्का करना है ताकि वॉश करने पे ये निकले ना सिलाई। ये देखिए चैन उठाएंगे और पीछे की तरफ से भी चैन उठाएंगे। और ऐसे ही यहां तक हम पक्का कर लेंगे अच्छे से। कि हमने ये फेस अटैच कर दिया इसमें और जो हमारी फर्स्ट रो थी वो देखिए थोड़ी हमारी अंदर की साइड दब गई है ताकि अच्छे से ये पक्का हो जाए। और हमने यहाँ पे डोरी बांधने के लिए लगा दिए, दोनों साइड पे हमने डोरी लगा दी। और यहाँ पे हमने देखिए 25-25 चैन की डोरी ली है, यहाँ भी हमने 25 चैन की डोरी बनाई है और यहाँ भी हमने 25 चैन की डोरी बनाई है। और एक हमने यहाँ पे कान के पास बनाई है, मैं आपको ये वाली बनाना बता देती हूँ। देखिए बिल्कुल सिदाई में बनाएंगे इसकी। यहाँ से ये थोड़ा सा हम ये लूप उठा लेंगे पीछे की साइड का। देखिए आगे का, देखिए आगे हमें नहीं धागा ज्वाइन करना है, हमने पीछे की साइड का लूप उठाया है, कहीं से भी आप उठा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है ये दोनों आमने सामने होने चाहिए एक ही लाइन में। यहाँ पे हम धागा अटैच कर देंगे। और 25 चैन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। धागा लंबा करके कट कर देंगे।
ये देखिए चारों डोरी बन गई हमारी। इस वाले धागे को हम अंदर की तरफ देखिए इस तरह से हम एडजस्ट कर लेंगे। देखिए हमने धागा कट कर दिया है। और फ्रेंड्स ये हमने 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी की चोली बना के तैयार करी हुई है। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं चोली की। इसको बनाना काफी आसान है। चलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहना के फिर आपको ये ड्रेस दिखाती हूँ। देखिए हमने ये लड्डू गोपाल जी को पहना दिए। ये हमारे 5 नंबर के लड्डू गोपाल जी है। ये देखिए मैं आपको डोरी बांधना बता देती हूँ फ्रेंड्स। जो हमारी आगे की डोरी है और ये पीछे की डोरी है, दोनों को एक साथ पकड़ेंगे और इस तरह से हम बांध देंगे। तो यहाँ पे ये डोरी का डिजाइन भी आ जाएगा और यहाँ पे हम देखिए इस तरह से बांध देंगे। और अच्छे से सेट कर लेंगे। और देखिए थोड़ा सा हमारा ये गैप है, आप चाहो तो यहाँ पे एक चिट बटन भी लगा सकते हैं ताकि अच्छे से ये सेट हो जाए। और देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी पूरे कवर है पीछे से और ये कान यूं खड़े रहेंगे। देखिए इधर की भी डोरी हमने बांध दी है। और आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए ड्रेस को घेरा। और यहाँ पे हमने देखिए डोरी बनाई हुई है, आप चाहो तो ये बना सकते हैं वरना स्किप कर सकते हैं आप इस तरह से। देखिए और ये डोरी देखिए कितनी सुंदर लग रही है। ब्लू कलर पे ये येलो कलर की डोरी बहुत ही अच्छी लग रही है, दूर से ही दिखेगी। ये हमारे लड्डू गोपाल जी ने ये ड्रेस पहन लिए। और फ्रेंड्स अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको ये ड्रेस कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।